अगली खबर का, अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चार नवजात बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने ड्यूटी के दौरान मौजूद रहे डॉक्टरों सहित ड्यूटी रोस्टर नहीं दिखने पर नाराजगी जताई। दरअसल अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एनएसयू वार्ड के बिजली पैनल खराब होने से दो बार लाइट गोल होने की बात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी मानी है। बता दें, एसएनसीयू वार्ड के निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों सहित मेडिकल कॉलेज टीम के आधे घंटे से अधिक चली बैठक में निर्णय लिया गया कि 48 घंटे के अंदर जो भी दोषी हो उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए अस्पताल प्रबंधन से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। चार बच्चों की मृत्यु सुबह लगभग 5:30 से 8:30 के बीच में हुई है। दो बच्चे वेंटिलेटर में थे, दो बच्चे वार्ड में थे और बहुत नाजुक स्थिति में ये बच्चे रहते हैं। कोई अंडरवेट है, किसी का हार्ट का ट्रबल था, किसी को कंजेनिटल एस्फिक्सिया था, जन्म के समय से ही था। और जो बात आ रही है बिजली की नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ। एक ये बात आई है कि जो पैनल था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। पहले 11 बजे उसको बनाया गया और दोबारा 1 बजे के आसपास उसको फिर से बनाया गया।